Number 2 is a very easy question. A convex lens form a real and inverted image of a needle placed at a distance of 50 cm from it. तो एक convex lens है, ठीक है ना बच्चों, एक convex lens है और ये रहा इसका optical center, ठीक है ना। और देखो बच्चों यहाँ पर हो गया आपका focal principal focus, ये हो गया आपका 2f, यहाँ f dash और यहाँ हो गया आपका 2f dash, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है ऑफ अ निडल, किसी सुई की, एक सुई ऐसे रखी होगी इसके सामने, इसकी इमेज वहां कहीं ऐसे रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। सुई अगर ऐसी है तो इन्वर्ट होकर ऐसे इमेज कहीं ना कहीं आपको मिल रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो ये किसकी डिस्टेंस दी हुई है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आप इसको ऐसे पढ़ो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म, आप केवल इतना पढ़ो, अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस से कितनी डिस्टेंस पे मिल रही है इसकी इमेज, 50 सेंटीमीटर पे, यानी कि v की वैल्यू दी है। तो v को पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले, तो जवाब है पॉजिटिव लेंगे। देखिए कैसे बता रहा हूँ, v इज इक्वल टू प्लस 50 लोगे, क्यों, ये इमेज डिस्टेंस है बच्चों, इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना, v इज इक्वल टू 50, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड कॉन्वेक्स में कहाँ बनती है बताइए, चेक करिए, इतना तो पढ़ के आए हो, ये यहीं कहीं बनती है कि नहीं बनती पीछे, हाँ यहाँ कहीं बनेगी, अब कहाँ बनेगी वो हमें नहीं पता, वो अभी हम देख लेंगे। तो चेक करो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा कहीं, रेज कैसे आएंगी, लेफ्ट से राइट, और आप ऑप्टिकल सेंटर से वी मेजर करोगे यानी कि इमेज डिस्टेंस, तो आप भी कहाँ से कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट, रे भी लेफ्ट से राइट, वी को भी आप लेफ्ट से राइट ही मेजर करो, तो वी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, ओके। और कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि निडल को, सुई को कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ प्लेस करें, है ना, कहाँ प्लेस करें कि क्या हो जाए, इफ द इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके ओके, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू यहाँ दिया हुआ है, इफ द इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि एच ओ इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एच आई, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, ऐसा कब होता है, याद करिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज कब मिलती है कॉन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया हो, 2f पे, याद करिए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब हम 2f पे रखते थे, याद करिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने रखा 2f, ये इसकी हाइट है एच ओ, तो यहाँ से एक रे पैरेलल निकालेंगे, कहाँ से चली जाएगी बताइए, ये जाएगी आपकी कहाँ से, फोकस से, ठीक, और दूसरी आप कहाँ से ले जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये देखिए इमेज आपकी कहाँ मिल गई आपको, 2f पे, ए डैश बी डैश, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड है, और जितना बड़ा एच ओ है यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जितना है उतना ही साइज ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द इमेज है, करेक्ट, यही स्पेशल केस होता था, एक पढ़ा है क्लास में, बहुत सिंपल है ना। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ कि O से लेके यहाँ तक 2F तक, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है V, और V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्लस 50, तो O से लेके आपका U, U भी यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 50 आ जाएगा। भाई चेक करो ना, 2F पे जब इमेज बनती थी तभी तो इमेज का जो साइज होता था वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता था, तो ऑप्टिकल सेंटर से जितनी डिस्टेंस पे इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि O से ये वाला 2f जितनी डिस्टेंस पे उतना ही ये वाला 2f डैश भी होता है, ये क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो U की वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। व्हाई डज माइनस हेयर, व्हाई वी हैव टेकन माइनस हेयर, डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप ऐसे ही मेजर करोगे ना, रे लेफ्ट से राइट जा रही, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हो राइट टू लेफ्ट, तो यू का साइन कैसा आना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ गया बच्चों यहाँ, तो क्या दिक्कत है बताइए, हाँ डायरेक्ट आंसर आ गया ना, ठीक है ना। फिर भी यहाँ जब डायरेक्ट आंसर आ ही गया है, आपको पता चल गया है, तो आप इसमें कंडीशन क्या लिखोगे, आप ये वाली कंडीशन लिख दीजिएगा कि वी नो दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f डैश देन वी विल गेट द इमेज एट 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उधर नहीं, जिधर ऑब्जेक्ट नहीं उसके जस्ट ऑपोजिट साइड, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है उसके राइट में आपका इमेज बना हुआ है, ठीक है। तो दैट्स वाई सीधे सीधे आंसर आ गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस 50 सेंटीमीटर, मींस 50 सेंटीमीटर, तो आंसर कैसे लिखोगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ऐसे करके आंसर लिखोगे, लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, हाँ भाई ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, पावर ऑफ द लेंस अगर आपको पूछ रहा है बच्चों, तो पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, f को किस में लेना चाहिए बताइए, मीटर्स में, फोकल लेंथ किस में आनी चाहिए आपकी, मीटर्स में, तो पावर किस में आ जाएगी आपकी, डैप्टर्स में, पावर की यूनिट क्या होती है, डैप्टर, लेकिन पहले फोकल लेंथ तो निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से चेक करिए बच्चों, फॉर्मूला होता है लेंस का, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, अब साइन के साथ यहाँ वैल्यू रखिए और f की वैल्यू निकाल लीजिए, v कैसा है, पॉजिटिव है, कितना है 50, तो 1/50 कैसा रखेंगे, पॉजिटिव, माइनस
वन अपॉन यू का साइन कैसा आया है, नेगेटिव, तो माइनस 50 रखा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन 50 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बस अब बहुत ईजी बच्चों, चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा, वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 50 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा 50, और ऊपर क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना। देखिए 2 वन जर 2 और 2 यहाँ 25, 1 अपॉन 25, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 25। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, एफ अपॉन 1 कर दो इसको एफ, और 25 अपॉन 1 25, तो एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, 25 सेंटीमीटर्स। लेकिन अब आपको पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए एफ किस में होना चाहिए, मीटर्स में, तो इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर दो मीटर में आ जाएगा, तो 25 को 100 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 20.25 मीटर्स, ठीक। अब पावर निकाल लीजिए, तो पावर कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन एफ की वैल्यू आपको मीटर्स में रखनी है 0.25, ठीक है, तो 0.25 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर दो जीरो आ जाएंगे, तो ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया आपका कितना 25, 25 बंदा 25, 25 फोर था कितना हो गया 100, तो पावर आ गया आपका क्या प्लस 4, क्या कैपिटल डी, कैपिटल डी का मतलब डायप्टर, प्लस में आ रहा है पावर। पावर प्लस में आने का मतलब है कि लेंस कौन सा आपका कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की ही तो फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। भाई कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, इसलिए कॉन्वेक्स का जो पावर आएगा वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, तो आ गया, कर लीजिए।